हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे दोस्तों। तो आज मैं आपके लाऊं वुमेन्स बिग बैश लीग 2024 के दोस्तों जो है फोर्थ T20 की मैच प्रेडिक्शन में जो फोर्थ T20 है खेला जाएगा गाइस आपका। गाइस ये जो मुकाबला है ये होगा आपका गाइस बेलरी बोबल होबार्ट में, और ये मुकाबला खेला जाएगा होबार्ट हरिकेन वुमेन्स बनाम सिडनी थंडर वुमेन्स के बीच। ठीक है गाइस, तो मैच में जाने से पहले सबसे पहले मैं आपको बताऊँ कि अगर आप मेरे YouTube चैनल पर नए हैं, मेरी वीडियो पहली बार देख रहे हैं, तो कहीं फटाफट मेरे टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन हो जाएं, क्योंकि कई बार क्या होता है टॉस के बाद अगर कोई मैच विनर चेंज होता है ना, तो उसकी अपडेट आपको टेलीग्राम में दी जाती है, सेशन भी आपको फ्री में टेलीग्राम में दी जाते हैं, एंट्री भी आपको फ्री में टेलीग्राम में दी जाती है। और एक बात और दोस्तों, मेरा जो दूसरा चैनल है ना गाइस डॉली बैटिंग यूट्यूब चैनल नाम से, उसका लिंक मैं जब भी सॉल्यूशन चैनल में डाला करूँ ज्वाइन हो जाए करो, क्योंकि मेरा ही चैनल है और सभी लोगों को उसमें ज्वाइन होना है। जो लोग भी गए सॉल्यूशन ऑफ चैनल से डॉली बैटिंग यूट्यूब चैनल में ज्वाइन नहीं होगा, उसको सॉल्यूशन ऑफ चैनल से परमानेंटली रिमूव कर दिया जाएगा, क्योंकि भाई दोनों मेरे ही चैनल है। तो कई बार ऐसा होगा सॉल्यूशन ऑफ में प्रेडिक्शन ना आके सीधा आपको डॉली बैटिंग यूट्यूब चैनल में प्रेडिक्शन दे दी जाएगी। तो आपका काम है कि आप लोग ज्वाइन हो जाए, अगर आप मेरे कहने पर भी सॉल्यूशन ऑफ चैनल से डॉली बैटिंग यूट्यूब चैनल में ज्वाइन नहीं होते हैं, तो प्लीज़ सॉल्यूशन ऑफ चैनल को भी लेफ्ट कर देना, नहीं तो मुझे मजबूरन आप सब लोगों को रिमूव करना पड़ेगा सॉल्यूशन ऑफ चैनल से। एक बार के लिए सॉल्यूशन ऑफ चैनल में ज्वाइन नहीं होगा चलेगा, पर डॉली बैटिंग चैनल में सभी को ज्वाइन होना। तो गाइस दोनों टीमों के प्लेयरों पर ना डालू तो वाट हरिकेन वुमेन्स के पास जो प्लेयर है निकोला कैरी, हीथ ग्राम, रूथ जॉनस्टन, एच सिल्वर होम्स, और गाइस लिजे ली, डैनियल वाइट, एलिस विलानी। यार ये लिजे ली तो कुछ ज़्यादा ही फॉर्म में है, और ये जो स्प्रिंट T20 स्प्रिंग हुआ उसकी चैंपियन भी बनी है, टीम गजब खेली है। सूजी वेट्स भी है, पर सूजी वेट्स आपको पहले मैच में खेलते हुए नजर नहीं आएगी, क्योंकि इंडिया में जो सीरीज चल रही है उसमें है ये, इंडिया न्यूजीलैंड वुमेन की जो सीरीज चल रही है उसमें खेल रही है ये, है ना। डार्लिंगटन है सिडनी थंडर वुमेन टीम में, एलियर्ड है, फोब लिचफील्ड है, सी मोरे हैं, टी पेशल है, जॉर्जिया वॉल है, टी विल्सन है, ही द नाइट, चमारी अट्टा, पट्टू शामिन, इस्माइल, जॉर्जिया एडम्स जैसे प्लेयर हैं। तो अगर मैं पल्ला भारी की बात करूँ तो गाइस पल्ला तो दोस्तों मुझे इस बार का होबार्ट हरिकेन वुमेन्स का ज़्यादा पल्ला भारी लग रहा है। दोनों टीमों के पिछले 5 मुकाबले में डाले, 5 में से 4 मैच जीत के आ रही है होबार्ट हरिकेन वुमेन्स, 5 में से 2 मैच जीत के आ रही है सिडनी थंडर वुमेन। ठीक है, दोनों टीमों के बीच 10 मुकाबले हुए हैं, 6 बार जीती है सिडनी थंडर, 4 बार जीती है होबार्ट हरिकेन वुमेन्स। लेकिन पिछले तीनों मुकाबले जो हुए हैं तीनों बार होबार्ट हरिकेन वुमेन जीती है होबार्ट सिडनी थंडर से। ठीक है, इन दोनों टीमों के पिछले 10 मुकाबले में ना डालू, 10 में से 7 मैच जीत के आ रही है होबार्ट हरिकेन वुमेन्स, 10 में से 3 मैच जीत के आ रही है सिडनी थंडर वुमेन्स। 136 रन एवरेज स्कोर है होबार्ट हरिकेन वुमेन्स का, 129 है सिडनी थंडर वुमेन का, 212 रन हाईएस्ट है होबार्ट हरिकेन वुमेन्स का, 183 है सिडनी थंडर वुमेन का, 87 रन लोएस्ट है होबार्ट हरिकेन वुमेन्स का, 103 रन लोएस्ट है सिडनी थंडर वुमेन का। इस ग्राउंड पे बात करूँ 10 में से 5 मैच जीत के आ रही है होबार्ट हरिकेन्स, 7 में से गाइस 2 मैच जीतती है इस ग्राउंड पे सिडनी थंडर वुमेन। बहुत ही खराब रिकॉर्ड है सिडनी थंडर वुमेन का इस ग्राउंड पे, 139 रन एवरेज स्कोर है होबार्ट हरिकेन वुमेन्स का, 133 है सिडनी थंडर वुमेन का, 212 रन हाईएस्ट है होबार्ट हरिकेन वुमेन्स का। ठीक है गाइस, इस ग्राउंड पे 212 रन होबार्ट हरिकेन वुमेन ने हाईएस्ट बनाए हैं, 161 रन हाईएस्ट है सिडनी थंडर वुमेन का, 82 रन लोएस्ट है होबार्ट हरिकेन वुमेन्स का, 110 रन लोएस्ट है सिडनी थंडर वुमेन का। ठीक है गाइस, इस ग्राउंड पे फर्स्ट इनिंग एवरेज स्कोर की बात करूँ तो 138 रन का रहता है एवरेज, सेकेंड इनिंग स्कोर 127 रन का रहता है। चेस करना यहाँ पे गाइस बहुत डिफिकल्ट है, डिफिकल्ट क्या है होता ही नहीं है। 212 रन हाईएस्ट है होबार्ट हरिकेन वुमेन्स का, 80 रन लोएस्ट है गाइस मेलबर्न रेनिगेट वुमेन्स का, हाईएस्ट चेज 165 रन का है, मतलब ब्रिस्बेन हीट वुमेन ने यहाँ पे 165 चेज किए हैं, तो आप समझ सकते हो क्या ही जबरदस्त मैच रहा होगा। वो लॉरा हैरिस ने मार दिया तभी चेज हुए, ये तो यहाँ पे चेज नहीं होते भाई। सबसे कम रन जो डिफेंड है यहाँ पे 115 रन डिफेंड है गाइस, आप समझ सकते हो कि जो मैंने बोला यहाँ पे चेज नहीं होता है। ठीक है, यहाँ पे गाइस ऑस्ट्रेलिया ने बनाए थे 213 रन, वेस्ट इंडीज वो चेज नहीं कर पाया था, होबार्ट हरिकेन्स ने बनाए थे 100, होबार्ट हरिकेन्स ने बनाए थे गाइस आपका यहाँ पे 167 रन, एडिलेड वो चेज कर गई थी। ठीक है, सिडनी थंडर ने बनाए थे 150 रन, होबार्ट हरिकेन वुमेन्स वो चेज नहीं कर पाई, मतलब चेज कर गई थी। लेकिन मैं एक बात बताता हूँ गाइस, वुमेन में यहाँ पे चेज करने में टफ रहता है, बाकी जो फाइनल प्रेडिक्शन है टॉस के बाद ही मतलब जो अपडेट होगी टेलीग्राम में मैं आपको वीडियो में बता दूंगा मुझे क्या लगता है। ठीक है, सेशन की बातें करूँ 6 ओवर में पहली पारी में बनते हैं 44, दूसरी पारी में बनते हैं 46 रन, 10 ओवर में पहली पारी में बनते हैं 70, दूसरी पारी में बनते हैं 77 रन, 15 ओवर में पहली पारी में बनते हैं 109 रन, दूसरी पारी में बनते हैं 123 रन,
20 ओवर पहली पारी में बनते हैं 157 रन, दूसरी पारी में बनते हैं 171 रन। तो थी सेशन की बात है, तो जिसको भी सेशन खेलना है मेरे टेलीग्राम चैनल में आ जाइएगा। मेरे टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है आपको उस वीडियो के फर्स्ट कमेंट में डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ज्वाइन हो जाना। कई बार क्या होता है टॉस के बाद अगर कोई मैच विनर चेंज होता है ना, तो उसकी अपडेट आपको टेलीग्राम में दी जाती है, सेशन भी आपको फ्री में टेलीग्राम में दी जाते हैं, एंट्रीज भी आपको फ्री में टेलीग्राम में दी जाती है। और एक बात और दोस्तों, मेरा जो दूसरा चैनल है ना डॉली बैटिंग लिफ्ट चैनल नाम से, उसका लिंक मैं जब भी सॉल्यूशन चैनल में डाला करूँ ज्वाइन हो जाए करो, क्योंकि मेरा ही चैनल है, सभी लोगों को उसमें ज्वाइन होना है। जो लोग भी कहीं सॉल्यूशन ऑफ चैनल से डॉली बैटिंग चैनल में ज्वाइन नहीं होगा, उसको सॉल्यूशन ऑफ चैनल से परमानेंटली रिमूव कर दिया जाएगा, क्योंकि गाइस दोनों मेरे ही चैनल है। तो कई बार ऐसा होगा सॉल्यूशन ऑफ में प्रेडिक्शन ना आके सीधा आपको डॉली बैटिंग चैनल में प्रेडिक्शन दे दी जाएगी। तो अगर आप मेरे कहने पर भी सॉल्यूशन ऑफ चैनल से डॉली बैटिंग चैनल में ज्वाइन नहीं होते हैं तो भाई रिमूव हो जाओगे, इसलिए ज्वाइन होना है। और एक बात ध्यान रखना, बहुत से फेक चैनल बन गए हैं मेरे चैनल सॉल्यूशन ऑफ चैनल के नाम पे और मेरे चैनल डॉली बैटिंग चैनल के नाम पे, तो आपको उन फेक चैनलों से कैसे बच के रहना है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको सॉल्यूशन ऑफ टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा, ज्वाइन हो जाना। जैसे ही सॉल्यूशन ऑफ टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन होगी आपको वहाँ पर मेरे दूसरे चैनल डॉली बॉडी चैनल का भी लिंक मिलेगा, सभी को डॉली बॉडी चैनल में जरूर ज्वाइन होना। एक बार के लिए सॉल्यूशन ऑफ चैनल में ज्वाइन होगा चलेगा, पर डॉली बॉडी चैनल में सभी को ज्वाइन होना है। तो गाइज मेरे हिसाब से जो टीम मैच जीतेगी वो होगी होबार्ट हरिकेन्स वुमेन्स। जी हाँ दोस्तों, होबार्ट हरिकेन्स वुमेन्स ही मुकाबला जीतेगी। हालांकि फाइनल प्रेडिक्शन टेलीग्राम पे दे दूंगा आफ्टर द टॉस, ठीक है गाइज, टॉस के बाद ही फाइनल प्रेडिक्शन दूंगा टेलीग्राम पे, टेलीग्राम में जरूर ज्वाइन हो जाए। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी, पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। ओके गाइस, टिल द नेक्स्ट वीडियो, इन्जॉय लाइफ।